नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद सीए अमनप्रीत सिंह। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि रोज आज को मैं आपके लिए शो लेके आता हूँ जिसका नाम है कल की बात आज विद सीए अमनप्रीत सिंह। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा ये शो है आप लोग बहुत कम देखते हो, और अगर देखते भी हो तो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं दोस्तों, कल हमने जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो आप देख सकते हो ये कल की हमारी पोजीशन थी, जिसके अंदर जो था हमारा 102 रुपये का प्रॉफिट था सिर्फ, और जो था 3 स्टॉक कल हमने नए ऐड किए थे। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो बात कर सकता है। अब चलते हैं आज क्या रहा और आज के दिन के क्या अपडेट हैं, और आज कौन से स्टॉक नए ऐड करने वाले हैं, क्या कौन सा स्टॉक बाहर निकलने वाला है, ये सब जानने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और कल हमारा जो क्या रहने वाला है और इस वीक में हमारा क्या आउटलुक रहेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में बंद नहीं करिएगा दोस्तों। मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरा कंटेंट है अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझे हौसला दीजिए, ताकि मैं रोज़ आपके लिए ये वीडियो बना पाऊँ। बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आज जो है, आज फ्रेंड्स हमारा एक स्टॉक जिसका नाम है सन टीवी नेटवर्क, कल देख सकते हो आप, कल दिखाता हूँ मैं। तो कल में आप देख सकते हो सन टीवी जो है हमारा, ये हमारे पास होल्ड था 474.60 रुपये पे जो था हमारी एंट्री थी, 455.62 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था, 512.57 रुपये का हमारा टारगेट था। तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस स्टॉक में आज हमारा जो है वो टारगेट आ गया है, ये आप देख सकते हो। आज जो है इस स्टॉक ने जो हाई लगाया है वो 515.45 रुपये का लगाया है, तो इसके अंदर हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तो हमने 515.57 रुपये पे हमने प्रॉफिट बुकिंग करी है, 21 शेयर थे हमारे पास, 797.36 रुपये। तो अभी तक जो है हम दो स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, ये आप देख सकते हो, 807.75 रुपये IRCTC में और सन टीवी में। तीन स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, जिसके अंदर हमने ये लॉस किया है 358, 395, 354। तो सबसे पहले आपसे मैं एक बार फिर से रूल शेयर कर देता हूँ। मेरा जो शो है इसका नाम है कल की बात आज विद सीए अमनप्रीत सिंह। 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है इक्वल अमाउंट में, 10,000 रुपये। और अगर आप 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको 1,00,000 रुपये जो है एक स्टॉक में लगाने हैं हमें। ये है स्टॉक ट्रेड इन 10 स्टॉक इन इक्वल क्वांटिटी। जो स्टॉक है वो मैं बताता हूँ फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के बाद में। मिनिमम 8% प्रॉफिट हम बुक करते हैं, मैक्सिमम 4% हम जो है लॉस बुक करते हैं। ऑलवेज हम जो है स्टॉप लॉस और टारगेट सिस्टम में लगा के रखते हैं। और अगर कोई हमारा स्टॉक 5% से ज़्यादा मूव कर जाता है तो फिर हम अपने जो स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेते हैं, जैसे कि जिलेट इंडिया में हमने किया है, कल की वीडियो देखिए मेरी। और 9:30 से 10:30 के बीच में जो है ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो आप देख सकते हो जिलेट इंडिया है, हमने 5230 पे किया था और ये 5% से ज़्यादा चल चुका है, तो हमने अपना जो स्टॉप लॉस है वो 5230 पे ट्रेल कर लिया है। तो दोस्तों आज जो है हमारा एक स्टॉक बाहर हुआ है, वो भी टारगेट के साथ बाहर हुआ है, इसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। अब जो हमारे पास स्टॉक है, आज हमने 3 नए स्टॉक परचेज किए हैं, अतुल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और आइशर मोटर। तो आप देख सकते हो सुबह का जो ओपनिंग रेट था उनका, उसी रेट पे हमने बाइंग करी है, 9200 रुपये पे अतुल लिमिटेड बाय किया है जो कि अभी 65 रुपये का लॉस दे रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 300 रुपये पे बाय किया है जो कि 196 रुपये का लॉस दे रहा है। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है 288 है, टारगेट 324 है। इसमें 8832 हमारा अतुल इंडिया में स्टॉप लॉस है और 9936 टारगेट है। आइशर मोटर 3456 पे हमने बाय किया है, 3317 स्टॉप लॉस है और 3732 जो है वो टारगेट है।
टोटल जो है अब हमारे पास 9 स्टॉक होल्ड है, 9 स्टॉक्स, एक स्टॉक हमारा बाहर हो गया है, और आज और कौन सा स्टॉक ऐड करेंगे उसकी बाद में बात करते हैं। तो अभी जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो आ रहा है लगभग 1%। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर इतनी मंदी हुई है पिछले हफ्ते में, इस हफ्ते में और पिछले हफ्ते में, लेकिन हम फिर भी प्रॉफिट में हैं, 1% हम प्रॉफिट में हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते में अभी 2 दिन बाकी हैं और इस महीने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो हम एटलीस्ट जो है 2.5% का रिटर्न निकाल लेंगे इस महीने के अंदर, जो कि 15 दिन के अंदर 2.5% रिटर्न ठीक है, और आगे भी हमारा मिनिमम 5% जो है रिटर्न हम निकालेंगे इसके अंदर। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो मुझे फॉलो कर सकते हो। और अब बात करते हैं आज के न्यू एडिशन की। तो फ्रेंड्स आज हमारा कोई भी न्यू एडिशन नहीं है, जो कोई भी एडिशन होगा अभी हम कल देखेंगे। आज जो है आज हम ये 9 स्टॉक्स के साथ जा रहे हैं जो आप देख पा रहे हो, और हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 92555 का अभी है, 92,555 रुपये हमारे इन्वेस्टेड हैं, और 845 रुपये जो है वो हमारा प्रॉफिट है अभी का। तो हम जो है इस हफ्ते में मिनिमम 2.5% जो है रिटर्न निकालने का हमारा टारगेट है ये 30 तारीख तक, और जो है एक महीने में मिनिमम 5% का जो है वो हमारा टारगेट रहता है। और मेरे ख्याल से 5% जो है वो बहुत ही अच्छा रिटर्न है, हर महीने अगर हम 5% निकालेंगे तो एक साल में पैसा डबल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।